रोग मुक्ति के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, पेट और आंतें लार बनाने वाली ग्रंथि है। अगर इसमें जल तत्व की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तथा अग्नि तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा पूरा पाचन संस्थान बिगड़ जाता है। पेट में डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, गैस, कब्ज, ऐसी कई तकलीफें उभर जाती हैं जो मुश्किल कर देती हैं। अगर हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें तो अग्नि तत्व के परमाणुओं को बढ़ाया जा सकता है तथा जल तत्व के परमाणुओं को कम किया जा सकता है, जिससे एसिडिटी में काफ़ी आराम मिल सकता है। इसके लिए आज हम आपको दिखा रहे हैं शीतली प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आइए देखते हैं शीतली प्राणायाम। शीतल, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है इस प्राणायाम को करने से। तो आइए इसे पहले सुख आसन में करते हैं। सीधे बैठ जाइए आराम से, जीभ को बाहर निकालिए और धीरे धीरे जीभ के सहारे सांस को अंदर खींचिए। जीभ बाहर निकालिए, एक लंबी सांस खींचते हैं, मुंह बंद, धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़िए। फिर से सांस को खींचिए, जीभ बाहर, मुंह को बंद कीजिए, सांस को पेट में अंदर उतार दीजिए ताकि शरीर की पूरी गर्मी बाहर आ जाए। देखिए, एक बार और खींचिए, जीभ बाहर, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए नाक से। तो ये था शीतली प्राणायाम। आइए शीतली प्राणायाम को एक बार वज्रासन में भी बैठ के कर लेते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, एक पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए, हाथ को रखिए घुटनों पे इस तरह से सामने, जीभ के सहारे सांस को अंदर खींचिए। धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़िए। आराम से सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था शीतली प्राणायाम। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। इससे एसिडिटी की तकलीफ दूर होती है, साथ साथ ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वो नॉर्मल हो जाता है, नीचे आ जाता है। जिनको हार्ट की तकलीफ हो उनका मन पूरी तरह शांत होता है, एकाग्र होता है। मन शांत होता है तो प्रेशर हाई नहीं होता, इसलिए उनको, हार्ट के पेशेंटों को, काफ़ी रिलीफ मिलता है इस प्राणायाम से। अब देखते हैं आज का दूसरा प्राणायाम, जिसका नाम है सितकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम से भी वही फायदा होता है जो शीतली से होता है, करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसे सुखासन में हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे बैठ जाइए, दांत एक दूसरे के ऊपर बैठा के रखें, दांतों के बीच से हवा को अंदर खींचते हैं इस तरह। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस खींचिए, सांस को पेट में उतारिए अंदर, घोट जाइए और नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। वापस खींचिए, नाक से छोड़िए। इस प्राणायाम को एक बार वज्रासन में कर लेते हैं। पैर को मोड़िए, हाथ रखिए घुटने के पास, सांस को अंदर खींचिए दांतों के बीच से। छोड़िए नाक से, खींचिए, छोड़िए नाक से,
वापस उतर जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था सितकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम से भी एसिडिटी की तकलीफ दूर होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, मन एकाग्र रहता है तथा हार्ट के पेशेंटों को काफ़ी रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है इस प्राणायाम से कम इस प्राणायाम को 10 से 15 बार करें, इसको और शीतली को, यानी 15 इसको 15 उसको। इतने में पूरा बॉडी कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है और प्रेशर नीचे आ जाता है, एसिडिटी की तकलीफ दूर हो जाती है। अब देखते हैं आज का तीसरा प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठे रहिए सुखासन में, लेफ्ट को बाएं हाथ को रखिए ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और अंगुली आपस में जोड़ दीजिए, राइट हाथ को ले आइए नासिका पे, अंगूठे से नाक को बंद कीजिए, एक नाक से सांस को खींचिए, आंखें बंद, डीप लंबी सांस, सांस खींच रहे हैं पूरा चेस्ट ऊपर की तरफ आएगा, दो अंगुली से नाक को बंद कीजिए, दूसरी से बाहर छोड़ दीजिए। वापस दूसरी नासिका से सांस को अंदर खींचिए, लंबी सांस, दूसरी नासिका से छोड़िए। छोड़ते समय डबल टाइम लगाते हैं, जितनी देर में सांस को ले रहे हैं उससे डबल टाइम में छोड़ा जाता है। वापस खींचिए, बंद कीजिए, छोड़िए, हाथ को नीचे ले आइए। एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम को वज्रासन में भी कर लेते हैं। पैर को नीचे उतारिए, पैर को मोड़िए, एक हाथ घुटने पर रखिए लेफ्ट को, राइट को ले आइए नासिका पे, खींचिए एक नासिका से लंबी सांस, दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़िए। खींचिए, छोड़िए, हाथ को नीचे ले आइए, धीरे धीरे पैर को फैलाइए, सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से एसिडिटी की तकलीफ दूर होती है, ब्रीदिंग काफी लंबी हो जाती है जिससे अस्थमा की तकलीफ दूर होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो वो नीचे रहने लगता है, यानी नॉर्मल रहने लगता है, हार्ट के पेशेंटों को भी काफी रिलीफ मिलता है, मन शांत और एकाग्र हो जाता है। तो दर्शकों, रोग मुक्ति में आज आपने देखा शीतली प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि आपको भी कोई शारीरिक तकलीफ है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।